आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। हमारे बीच में जो महिला सविता कपूर जी हैं, विधायक जी जो हमारे बीच में भी मौजूद हैं, मैम सबसे पहले स्वागत है आपका उत्तराखंड लाइव। धन्यवाद। अब मैम, ये बहुत बड़ी आपने बहुत बड़े एक चुनाव है जो इस समय पे आपने जीता है, लोगों में बहुत उत्साह और खुशी नज़र आई है, और महिला होकर आप यहाँ पर ऐसे हैं, तो क्या कहेंगे आप इसको देखते? चुनावों में इतना अधिक लोगों ने उनका उत्साह देखने को था, जोश भी था, सभी कार्यकर्ताओं ने, खासकर महिलाओं ने तो बहुत ही योगदान दिया। हर क्षेत्र में हमारे युवा महिलाएं और सभी कार्यकर्ता जी जान से पार्टी कार्यक्रम में लगे रहे, चुनाव प्रचार में सभी ने लगे रहे, और इतने अच्छे मतों से हम यहाँ पर विजयी हुए। बहुत अच्छा लग रहा है, जनता का मैं धन्यवाद भी करती हूँ, इतने अच्छी विजय उन्होंने हासिल दिलाई हमें। मैम, उन विरोधी पार्टी के लिए आप क्या कहेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों ने ये भी सोचा है कि पहले हरबंस कपूर जी थे तो इस तरीके से कार्य करते, आज उनकी वाइफ हैं तो इस तरीके से, उन लोगों के लिए आप क्या जवाब देंगे? मैम, जब माने कपूर साहब जी थे तो उनके साथ भी मैं हमेशा साथ लगी रहती थी, हमेशा समाज में काम करती रही थी, और आगे भविष्य में भी इसी तरह से काम करेंगे, जनता में किसी तरह की कोई कमी नहीं आने देंगे कार्यों में। मैम, वही महिला दिवस भी चल रहा है, हर महिलाएं के लिए आप क्या मोटिवेशन, कुछ शब्द कहेंगे? महिलाएं समाज में आएँ, सशक्त होएं और सामाजिक मुद्दों को लेकर कार्य करें। मुख्य रूप से जैसे आजकल हमारी युवा पीढ़ी दिशा भ्रमित हो रही है, तो एक माँ, महिला क्योंकि एक माँ होती है, माँ का प्रथम दायित्व होता है हम अच्छे संस्कार देकर अपनी संतान को एक अच्छा इंसान बनाएं, यही कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच मैम, धन्यवाद।